बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। हे प्रभु अमेजिंग। गुड इवनिंग ब्यूटीफुल सोल्स, हम दोनों आज एक बहुत अच्छा नया एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं। वुड यू लाइक टू टेल देम अ बिट मोर? पहले रोड क्रॉस कर लेता। नहीं, हम आज प्ले देखने जा रहे हैं, स्ट्रेंजर थिंग्स फर्स्ट शैडो। स्ट्रेंजर थिंग्स फर्स्ट शैडो, तो ये पहला प्ले है हमारा आफ्टर कमिंग टू यूके और लंदन फॉर दैट फैक्ट। और ये लंदन में काफी यूनिक एक्सपीरियंस होते हैं राइट, ये वाले ऐसे बहुत सारे कर्स चाइल्ड। मतलब ये प्लेज इनका ऐसा होता है कि एक थिएटर भी साइडेड होता है प्ले के लिए, तो वो 4 साल 5 साल 10 साल जैसे उसके परफॉर्मेंस रहती है उसके हिसाब से वो थिएटर उस प्ले के लिए बुक रहता है। ऐसा नहीं होता कि जैसे हमारे स्कूल में होता था कि एक प्ले हुआ तो समर में चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो प्ले रिमेंस कंसिस्टेंट अक्रॉस ईयर्स। हम लोग पहुँच गए हैं, लेकिन मुझे भी इस टाइम बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और द प्ले इज ऑफ 4 आवर्स, तो मैं मर जाऊंगी। आई मीन आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, पर यहाँ पर मीठे के अलावा कुछ नहीं मिलता, तो आई एम जस्ट सर्चिंग कुछ मिल जाए ऑन द वे टू द थिएटर। हम लोग पहुँच चुके हैं और ये अंदर से स्ट्रेंजर थिंग्स की वाइब्स दे रहा है। यहाँ जाना है क्या? ड्रेस सर्कल है वो जाना है हमें। अच्छा ओके, मुझे लगा वहाँ पे ड्रेसेस डालते होंगे शायद। वहाँ पे होने वाला है शो। Okay, so how was it? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। देखे जा सकते हैं प्लेस, मतलब प्लेस आर कॉल्ड अब हैरी पॉटर कर्स चाइल्ड देखने का मन कर रहा है। बट यहाँ पे बहुत सारे प्लेज हैं, जैसे फैंटम ऑफ द ओपरा है और भी बहुत सारे हैं, मैजिक माइक का प्ले भी है यहाँ पे। तो और प्लेज आर लाइक टोटली डिफरेंट फ्रॉम एनपीसी मूवीज और सीरीज, मतलब रियल इमर्सिव एक्सपीरियंस। अरे बहुत कॉस्टली प्ले था तो इसको कूपन मिल गया था, दैट्स व्हाई वी वर एबल टू गो, वरना अगर हमें खुद खरीदना पड़ता। That depends on seat to seat. So हमारी seat थी वो 75 के आसपास की थी। हे प्रभु। But अगर मतलब you want to experience तो 30 pounds की seat भी होती है, but उसमें फिर कुछ काफी जगह से view extract होता है। But यार one time experience is like so good. It was so good. मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये screen है, but actually में it was a set. मतलब इवन द फ्लिकरिंग ऑफ लाइट स्ट्रेंजर थिंग्स का था, तो अगर आपने वो देखा तो फ्लिकरिंग ऑफ लाइट सब कुछ वाज सो रियल। मैंने कुछ कुछ क्लिप्स बनाई हैं, लेकिन उन्होंने मेरा कैमरा देख लिया था, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। एंड यार यहाँ पर ना सेट 10-10, 15-15 सालों तक रहते हैं, वो भी मुझे इसी ने बताया अभी। ऑफकोर्स यार उन्होंने इतनी मेहनत कर रखी थी, द क्रू वाज लाइक अमेजिंग। इट डिपेंड्स, ऐसा होता है कि थिएटर की डील होती है प्लेयर्स के साथ, तो अब वो डील इनकी 5-5 साल की रहती है मेनली। तो अगर तुम्हारा मतलब 5 साल में वो प्ले ठप हो गया तो फिर दैट सेट इज रेनोवेटेड एंड नया प्ले आता है उसकी जगह पे। तभी जो सीट्स थी वो भी पुरानी सी थी ना। हाँ, बट जैसे अब स्ट्रेंजर थिंग्स है, दिस हैज बीन गोइंग गुड, लाइक ये वीक डे था और
उसमें भी फुल थिएटर था. तो अब जैसे कर्स चाइल्ड है दैट इज गोइंग ऑन लाइक फ्रॉम लास्ट 5 or at least 6 years, तो उसका सेट अभी तक चेंज नहीं हुआ. तो ऐसे डिपेंड करता है कि कितनी सीट्स बिक रही हैं उसके हिसाब से वो अपने प्ले की डील चलती रहती है थिएटर के साथ. हम लोग घर आ गए थे बस. होप यू गाइज लाइक द व्लॉग. डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब. आपको व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं जरूर बताना. मैं थोड़े रॉ से व्लॉग्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ. कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले व्लॉग में. तब तक के लिए राधे राधे एवरीवन.